press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम. तो सैतला में तीसरा चैप्टर इस्तेलाहात यानी टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 6 वीडियो में हम लोगों ने 30 टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा. और आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ बची हुई चंद टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आइए बात करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजीज नंबर 31 की. तहबीब, ठीक है. तहबीब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रैनुलेशन, और इसका मतलब होता है दानादार सफूफ बनाना. ठीक है, क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, मखसूस किस्म की दवाएं, जिसमें कि हम उन्हें ना तो पीस कर सफूफ बना सकते हैं और ना ही कूट कर उन्हें बारीक कर सकते हैं. ठीक है, तो हम उनको एक मखसूस तरीके से उनका दानादार सफूफ बनाते हैं. तो क्या होता है कि उन दवाओं को लेकर हम पानी में घोल लेते हैं, ठीक है, और उसको आग पे गर्म कर पका लेते हैं. और जब पानी उड़ जाता है तो वो ग्रैनुलेशन यानी ग्रैनुलेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, एक दानादार सफूफ किस्म का. ठीक है, और ये अमल एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो शोरा और नौशादर, इन दो दवाओं पे किया जाता है. ठीक है, शोरा कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को और नौशादर कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दवाओं का ही दानादार सफूफ बनाया जाए. जो भी दवाओं का, अगर कोई दवा सफूफ बनाई जा सकती है उसको, और लेकिन हमें ऐसी दवाओं के साथ मिलाना है जहाँ पर दानादार सफूफ चाहिए, तो हम उन दवाओं का भी ऐसा सफूफ बना लेते हैं. ठीक है, तो ये था तहबीब के बारे में. अब बात करेंगे हम लोग 32 नंबर टर्मिनोलॉजीज की, जिसका नाम है तबलवुर. ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, और जिसके माने होता है कलमे बनाना. ठीक है, तो आइए जानते हैं इस अमल को. इसमें क्या होता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमें कलमों की सूरत में ही दस्तयाब होती हैं, कलमे यानी क्रिस्टल के फॉर्म में. ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ तो हासिल हो जाती हैं, कुछ जो कलमों की सूरत में नहीं होती तो उन्हें हम बनाते हैं. जैसे शोरा, मैंने बताया अभी, शोरा कलमी, जब ये कलम बन जाते हैं शोरा के तो ये यहाँ लफ्ज़ लग जाता है कलमी, तो शोरा कलमी यानी शोरा का क्रिस्टल, पोटेशियम नाइट्रेट का क्रिस्टल. ठीक है, या फिर गंधक सल्फर का क्रिस्टल. ठीक, अगर कलमे बनाना हो किसी दवा का तो हम क्या करते हैं, उसे पानी में घोल कर आग पर गर्म कर देते हैं. ठीक है, गर्म करने के बाद उसे खुश्क कर लेते हैं. जब सूख जाता है ये पानी तो क्रिस्टल की फॉर्म में ये बन जाता है. और अगर आग पर नहीं आपको गर्म करना है तो इसे धूप में रख दीजिए, तो जब ये सूख जाएगा तो पानी जब यहाँ से उड़ जाएगा तो इस दवा में दरारें पड़ जाएंगी, और इस बर्तन को आप ज़मीन पर पलट कर मार दीजिए तो ये क्रिस्टल ज़मीन पर फैल जाएंगे, ऐसे जहाँ भी आपको इकट्ठा करना हो. ठीक, तो ये सूख कर, तो सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह की दवाओं की कलमें बनती हैं. ठीक है, और कुछ दवाएं ऑलरेडी क्रिस्टल फॉर्म में आती हैं तो वो भी हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं. ठीक, तो ये था तबलवुर के बारे में, जिसमें हम किसी दवा का क्रिस्टल बनाते हैं. ठीक, अगर एग्ज़ाम में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दवा साजी में बाज़ औक़ात कुछ दवाओं की कलमें खुद ब खुद दस्तयाब होती हैं या मिलती हैं हमें, और अगर किसी दवा की कलमें बनानी हो तो हम उसे पानी के हमराह गर्म कर जोश दे देते हैं और फिर उसका क्रिस्टल यानी उसकी कलमें हासिल कर लेते हैं. अब बात करेंगे हम लोग 33वीं टर्मिनोलॉजीज एहराक की, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू बर्न या बर्निंग. ठीक है, तो देखते हैं एहराक के माने होता है जलाना या सोख्ता करना. ठीक है, किसी दवा का सोख्ता बनाना. ठीक, तो इसमें करते क्या है, क्या होता है कि हम दवाओं को जला कर कोयले की तरह स्याह कर लेते हैं, काला. ठीक है, और जली हुई दवा जो हमें हासिल होती है वो कहलाती है मुहर्रिक. ठीक है, तो इसको अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दवा साजी में बाज़ औक़ात दवाओं को जला कर कोयले की तरह स्याह कर लिया जाता है, और उस जली हुई दवा को हम मुहर्रिक कहते हैं, और इस अमल को हम एहराक कहते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी, कन्फ्यूज़न ना हो, तकलीस का जो हम अमल हम लोगों ने पढ़ा उसमें दवाओं को जला कर चूने की मानिंद सफ़ेद कर लेते हैं.
ठीक है, लेकिन वहाँ कुश्ता बनता है, ठीक है, कुश्ता साजी का अमल। और जो यहाँ है इहराक, इसमें दवाओं को जलाकर कोयले की तरह स्याह यानी काला कर लेते हैं, और इसमें होता है सोखते का अमल, सोखता, जिसमें मुहर्रिक लफ्ज़ लगा होता है, जैसे सरतान सोखता। तो इहराक और तकलीस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है सांप सोखता, स्नेक बर्न, ठीक है उसको। फिर बहुत सारे हैं इसमें, कछुआ सोखता, जो कछुए होते हैं उनका बनता है। तो ये सारे दवा के तौर पर यूज़ होते हैं, तो ये सारे अमल उसके साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इहराक के बारे में। बात करेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजीज नंबर 34, तदबीर अदविया यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। एक्चुअल में ये कोई इस्तलाहात नहीं है, इसका एक चैप्टर है पूरा, लेकिन इसे भी हम लोग जानते हैं, इसी में इस्तलाहात में ही पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्या होता है कि कुछ दवाओं की खूबियों को हम उजागर करते हैं, यानी उनकी जो असली क्वालिटी है, जो काम करने की उनकी जो कुव्वत है, उनको हम किसी अमल के ज़रिए, ख़ास अमल के ज़रिए हम उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, और उसमें जो खराबी हो, जो उनकी खामियां हो, हम उनको दूर करते हैं। यानी खामियों का क्या मतलब है कि कोई ऐसी दवा जो किसी और दवा के साथ मिलकर बुरे असर बदन पर डालने लगे, यानी मुज़िर साबित होने लगे, तो हम उनके मुज़िर असरात को कम कर देते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ताकि जब वो इस्तेमाल के काबिल बने तो अच्छा इस्तेमाल करें। तो इसमें बेसिकली इस अमल में हम यही करते हैं कि दवाओं की खूबियों को उजागर करते हैं और उनकी कमियों को निकाल देते हैं, और हर दवा के साथ अलग अलग ये अमल होता है। तो इस चैप्टर में इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस दवा के साथ कौन सा अमल किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये बात उन चैप्टर में होगी। हाँ, अगर कहीं आपको लफ्ज़ मिल जाए मुदब्बर, ठीक, मुदब्बर, तो यानी वो दवा प्यूरीफाई कर ली गई है, ठीक है। जैसे कोई भी बात करें हम लोग, कुचला मुदब्बर अगर लिखा है, ठीक, तो यानी कुचला को प्यूरीफाई कर लिया गया है, ठीक है। तो अब इसको प्यूरीफाई करने का जो अमल होगा हम लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। अब जो हम लोगों ने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, इनका एक एक चैप्टर आएगा जो सिलेबस में दिया है जिन टर्मिनोलॉजीज के साथ। तो हम लोग उन एक एक चैप्टर में उन दवाओं के साथ कैसे वो अमल करते हैं उनको सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें कि दवाओं का सफ़ूफ कैसे बनाते हैं, यानी सहायक हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ा, पाउंडिंग, पीसना, कैसे पीसते हैं दवाओं को, कैसे उसको चालते हैं, कितने नंबर की चलनी से, उसके बाद कैसे दवाओं का अर्क निकालते हैं, कैसे दवाओं का रोगन ऑयल हासिल करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सारे चैप्टर हैं इनके, आगे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। ये पूरी टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ ली 34, ठीक है। तो इस्तिलाहात का जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पढ़ चुके होंगे और पूरी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचें, ठीक है। और बैचमेट, जूनियर, अपने फ्रेंड्स सबको लिंक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर सैदला के कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।